अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू टू ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राई आलू की रेसिपी। उसके लिए मैंने लिए थे 3 अदद आलू, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसके अलावा मैंने लिया था 1 टमाटर, जिसको मैंने बारीक चॉप करके कटिंग कर ली है। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने बीच में से कट लगा दिया था। और मैं ले रही हूँ नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी और ये पिसा हुआ ज़ीरा। सबसे पहले मैंने तेल को थोड़ा सा गर्म कर दिया था। अब इसमें जो है मैं ये आलू ऐड कर रही हूँ। आलू मैंने ऐड किए हैं, आलू के बाद जो है मैं इसमें हरी मिर्चें इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ जो है मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस जो हैं, यानी कि लाल मिर्च, नमक और हल्दी वगैरह, मैं अभी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि ये चीज़ें गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये साथ साथ तीनों चीज़ें पक जाएंगी तो मिर्ची का और टमाटर का जो एक टेस्ट होता है वो इसमें आ जाएगा। पहले हम इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इतना हो जाए कि आलू थोड़े से, मतलब 50% गलना शुरू हो जाए, इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो थोड़े बहुत जो आधे 50% जैसे आलू जो हैं वो थोड़े से गल गए हैं, नरम हो गए हैं थोड़े से। अब हम इसमें नमक मिर्च ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। ये इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट के बाद जो है मैं इसमें रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, टर्मेरिक पाउडर चुटकी के बराबर। मैं हर इंग्रेडिएंट के बाद इसको इसके थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, ताकि हर चीज़ का जो एक अलग टेस्ट होता है, खुशबू होती है, वो अच्छी तरीके से खाने में आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी, और आपको कलर से भी अच्छा लग रहा होगा कि कितना खूबसूरत और कलरफुल टेक्सचर आ रहा है। अब मैं एंड में इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए। आधा चाय के चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा लिया। आप चाहें तो साबुत ज़ीरा भी ले सकते हैं, और साबुत ज़ीरा जो है अगर डालना हो तो मैं, जब आलू मैंने फर्स्ट डाले थे, सबसे पहले उसी के साथ मैं ज़ीरा भी डाल देती हूँ भुनने के लिए, तो उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा टेक्सचर आया है। ये फ्राइड पोटैटोज जो है वो हम बेसिकली चावल के साथ भी खा सकते हैं, और रोटी के साथ भी बहुत मज़ा करता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम प्री हीट पे थोड़े से हल्की आंच पे छोड़ देंगे, ताकि जो हमारे आलू में थोड़ी सी कसर थी वो अच्छी तरीके से गल जाए। फ्रेंड्स, आलू जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और गल भी चुके हैं अच्छी तरीके से। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, और अब जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक एंड कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक तो वेट कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।